एक नौकरानी बनी कोठी की मालकिन। इमोशनल कहानी। लोग हैरान होते हैं कि बड़े लोग घर के नौकरों से शादी कैसे कर सकते हैं, जबकि वह ना पढ़ी लिखी होती हैं और ना उनका ख़ानदान अच्छा और ना लिहाज से उनकी बराबरी होती है, लेकिन ऐसी अनहोनी होती रहती है। मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसे सुनकर आप एक दफ़ा तो ज़रूर हैरान होंगे। हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे। मेरे पापा कोई काम नहीं करते थे। हम दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी मेरे पापा ने अंकल के भतीजे से करवा दी थी, जबकि उनकी उम्र में सिर्फ 14 वर्ष की थी। उस बेचारे को एक जुआरी के पल्ले बांध दिया था। जिसके इलाके में हम रहते थे, आज भी वहाँ गरीबी और वहाँ जुए की लत भी आम है। बात है, अक्सर मर्द निकम्मे होते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, लौंडिया की शक्ल में बैठकर कोने में अपना जुए का अड्डा चलाते रहते हैं, जबकि औरतें मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट भी पाल लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ रिश्तेदार भीख भी मांगते हैं। ज़्यादातर हमारे रिश्तेदार रोटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ बड़े घर में काम ढूंढ कर नौकरों का काम करते हैं। मेरे मौसी का ख़ानदान लखनऊ में गया तो वहाँ मेहनत मजदूरी करके उन्हें अच्छे पैसे मिलने लगे। जबकि मौसी के 4 बेटियां थीं, वह अपने माँ के साथ ही कोठियों में घर का काम करवाती थीं। उनका एक बेटा रिक्शा चलाता और दूसरा बेटा दुकान के फल रेडियो पर लगाता था, जबकि मौसी जी चौकीदारी करने लगे थे। जब घर का हर आदमी कमाने लगा तो गरीबी भागते हुए देर नहीं लगती। जब मौसी और उनके घर वाले आते तो उनके ठाट देखने लायक होती। वे सबसे अच्छे कपड़े और हुलिये से खुशहाल नज़र आते थे। पड़ोसी और रिश्तेदारों की निगाहों में भी इज्जत मिलने लगी थी। इधर हमारे घर 2 वक्त खाना भी मुश्किल से पूरा हो पाता था। मौसी ने जब हमारे हालात देखे तो मम्मी की हिम्मत बढ़ाई कि हमारे साथ तुम भी लखनऊ चलो, वहाँ कोठियों में काम मिल जाता है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। तुम्हारे गाँव में ना कोई ज़मीन है ना कोई रोज़गार है, फिर ऐसे भी क्या रखा है? भूख और लाचारी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब मम्मी ने ये बात पापा को बोला तो मैं अपनी मिट्टी में ही दफन हो जाऊँगा, परदेश के धक्के क्यों खाऊँगा? तुमने जाना है तो तुम जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे हर महीने 5,000 रुपये भिजवा देना ताकि यहाँ पे अपना गुजारा कर सकूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ भीख ना मांगना पड़े। ये पापा ने मम्मी से सौदा किया, मगर 6,000 मांगा था, मगर माँ को महंगा नहीं लगा। चलो इसी बहाने शहर जाने कमाने को तो मिलेगा, और वे मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर मौसी के साथ लखनऊ यहाँ बड़े शहर में आ गई। यहाँ बड़े बंगलों के करीब एक कच्ची बस्ती में किराए पर मकान ले लिया था। मौसी की एक बेटी मेरी उम्र की थी, जो करीबी स्कूल में पढ़ने जाती थी। वह 5वीं कक्षा में थी। मुझे भी पढ़ने का शौक था। मैंने रिंकी के साथ स्कूल जाऊंगी। मैंने माँ से कहा, स्कूल की फीस मामूली सी है, जब तक कोई काम नहीं मिलता है उसे स्कूल में दाखिला करवा दो, ये भी 6ठी 7वीं पढ़ लेगी तो हमें दुआएं देगी। उन्होंने मौसी के कहने पर स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। मेरी माँ का ख्याल था कि मैं उनके साथ कोठियों में जाकर उनका हाथ बटाऊँगी, क्योंकि पापा से वादा करके आई थी हर महीने गाँव पैसे भिजवाने का, और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं था जबकि गरीबी थी। जल्द ही मौसी ने मम्मी को कोठी में घर का काम दिलवा दिया था। 3 घरों में झाड़ू पोछा लगानी थी, 1 घर में रोटी पकाने जानी थी, तो हमें उन कोठी वालों का बचा कुचा खाना भी मिल जाता था। थोड़े घरों में बर्तन और कपड़े धोकर शाम ढलते ही थकी हारी हमारे लिए भी आकर काम किया करती थी। मेरी मम्मी भी 15 से 20 हज़ार तक काम करने लगी थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं इस कड़वे वक्त में मम्मी का साथ दूँ, लेकिन मुझ पर तो पढ़ाई का भूत सवार था। स्कूल से लौटती तो खाना खाती या ना खाती, मगर उस घर में फौरन से जाना पड़ता। जहां माँ काम कर रही होती तो मैं झाड़ू लगा देती, माँ पोछा लगा देती तो मैं कपड़े धो लेती। इस तरह से हम दोनों माँ बेटी मिलकर काम कर लेते। यूँ मैंने अपनी माँ का साथ दिया और मैं स्कूल भी रोज़ाना जाती थी। अब मैंने 10वीं पास कर चुकी थी। वहाँ मेरी एक सहेली बन गई थी, वह मेरी हम उम्र थी, उसका नाम रूबी था। मैंने उससे अपने सारे हालात बता दिए थे। वह एक बड़े घराने से
ताल्लुक़ रखती थी। एक रोज़ उसके भाई की शादी में गई तो वहाँ उसकी मामी ने मुझे देखा और कहा, अगर तुम स्कूल के बाद मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो तो मैं तुम्हें फ़ीस दूंगी और फीस भी अच्छी खासी दूंगी। मैंने फौरन हाँक भर ली कि लोगों के घरों के झूठे बर्तन धोने से तो ट्यूशन पढ़ाना अच्छा था। उस औरत का नाम तो समा था, मगर वहाँ पर सभी लोग उन्हें ठेकेदारनी की पत्नी कहा करते थे। मकान ज़्यादा दूर नहीं था, मेरी मम्मी ने भी मुझे खुशी खुशी से इजाज़त दे दी। अब मैं रोज़ाना उनके घर शाम को 4 बजे जाने लगी। उनके 3 बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। उनकी हिंदी बहुत कमज़ोर थी, मैं हिंदी पढ़ाने लगी थी। उन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी। रंग तो मेरा बचपन से ही गोरा चिट्टा था। मैं खूबसूरत इतनी थी कि लोग मेरी सूरत तकते थे। कद कांटी भी अच्छा था। समा आंटी के घर में उनके पति और बच्चों के अलावा सिवा नौकर के कोई ना था। ठेकेदार साहब के बहुत वफादार और अच्छे किस्म के आदमी थे। वह मुझे कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। मुझे तो सिर्फ उनके बच्चों को पढ़ाना था। बच्चे भी बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे और जो मैं होमवर्क देती वह जल्दी से याद कर लेते थे। अगर कभी समा आंटी घर पर नहीं होती तो ठेकेदार साहब का नौकर मुझे गेट पर ही कहकर वापस भेज देता था, समा और ठेकेदार साहब आज घर पर नहीं हैं, आप चले जाइए। मैं घर आती और जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर छुट्टी छूटती तो उन्हीं के घर बैठ जाती, क्योंकि मम्मी जब काम से फ्री होती तो मुझे उनके घर से वापस अपने साथ ले जाती। धीरे धीरे हम माँ बेटियाँ समा आंटी के करीब आते गए। वे बहुत अच्छी थीं और रहम दिल औरत थीं। वे हमारी हालात को अच्छी तरह से जानती थीं। उनसे हमारे घर की कोई भी बात छुपी हुई नहीं थी। यूँ हम माँ बेटी उस घर के एहसान मंद थे। जब ठेकेदार साहब को अपनी पत्नी के जरिए हमारे हालात मालूम हुए तो इंसानी हमदर्दी के तहत मेरी मम्मी को मकान के किराए की मदद में पैसे देने लगे थे। मौसी का मकान उनके कुंबे के हिसाब से छोटा पड़ता था, लिहाजा हमें अब अपना अलग सा किराया का कमरा लेना था, मगर एक कमरे का किराया भी 8,000 रुपये थे, कम नहीं था। ठेकेदार साहब ने हमारी बहुत मदद की, हमारे दिन बहुत अच्छे हो गए और मम्मी की मेहनत मजदूरी की पैसे जाने की बजाय अब हमारे काम आने लगी। अब हमारे दिन फिरते जा रहे थे, हम अच्छा खाने और अच्छा पहनने के लायक हो गए थे। पंखा और एक पुराना टीवी भी खरीद लिया था, ज़रूरी घरेलू सामान भी बहुत ज़्यादा खरीद लिया। अब हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। एक रोज़ मेरी सहेली रिंकी हमारे घर आई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे मामा के घर में कुछ दिन काम करोगी। मेरी मामी 3 महीने के लिए अपने मायके जा चुकी हैं, गर्मियों की छुट्टियां अपने नाना नानी के घर ही गुजारेंगे। घर में मामा जी अकेले हैं, तुम और तुम्हारी मम्मी को बुलाया है। जब तक मैं मामी नहीं आ जाती तुम लोग उनके घर पर संभालोगे, वह तुम्हें उसका अलग से तनख्वाह देंगे। इनकार की कहाँ गुंजाइश थी, उनके हम पर बहुत पहले ही एहसान थे। मैंने मम्मी को बता दिया और अगले दिन से हम ठेकेदार साहब के यहाँ काम करने लगे थे। 2-3 महीने तक पलक झपकते कब बीत गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। ठेकेदार साहब के बीवी बच्चे भी वापस लौट आए थे, उनके साथ उनकी पुरानी नौकरानी भी थी। उनके साथ अब उनको मेरी मम्मी की ज़रूरत नहीं थी, मेरे भी पेपर आने वाले थे, मैं फ्री नहीं थी। तब ठेकेदार साहब ने कहा, तुम कभी कभार आ जाया करो, कुछ काम रह जाते हैं जो तुमसे करवा लिया करूँगा। मैं ठेकेदार साहब की पत्नी के पास गई, मुझे 15 दिन हो चुके थे। एक रोज़ मेरी सहेली और बोली, मामा तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा, क्यों? मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, मुझे लगा कि मजाक कर रही है। तभी उसने वजह बताई, मामा और मामी ने बुलाया है, मामी तो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। खैर मुझे जाना पड़ा। पहली बार मेरी ठेकेदार साहब से मेरी बातचीत हुई, कभी खाना बनाने को कहते और कभी अपने कपड़े प्रेस करवाते मुझसे, अपनी पसंद का खाना भी पकवाते। उनकी पत्नी अब समा आंटी उनकी पुरानी नौकरानी उनके अस्पताल में साथ में थी और घर का बेहतर काम मुझे संभालना पड़ता था। ठेकेदार साहब की पत्नी तकरीबन 1 महीना अस्पताल में रही थी। उस बीच में ठेकेदार साहब
और उनके बच्चे के सुबह शाम का नाश्ता और पानी में ही सब करती थी और सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के साथ में रहती थी। मम्मी ने कई और घरों के काम पकड़े हुए थे, लिहाजा वह मुझसे अकेला ठेकेदार साहब के घर भेज देती थी देखभाल करने के लिए, और उन लोगों पर मम्मी को पूरा विश्वास था। बेशक ठेकेदार साहब ने उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाया था, लेकिन जब मेरे पेपर ख़त्म हुए, एक रोज़ ठेकेदार साहब की बहन हमारे घर आई। एक अमीरजादी को अपने घर खाने पर देखकर हम परेशान हो गए। आखिर उनके आने की क्या वजह थी? मम्मी जल्दी से बाज़ार गई और उनके खाने के लिए कुछ लेकर आई। इतनी देर में मैंने उनके लिए चाय बना दी। इधर उधर की बातें करने के कुछ देर बाद उन्होंने अपना इरादा बताया कि समा बीमार थी, तो समा मेरे घर आई थी, तो अपने और आपकी मम्मी ने मेरे भाई का सारा काम और काज संभाला था। मेरी मम्मी ने कहा कि हम उनके घर हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे, वरना बाकी के 4-5 घरों का काम छूट जाएगा तो गुजारा कैसे होगा। अगर तुम नहीं आ सकती तो अपनी बेटी बबीता को भेज दो, ठेकेदार साहब ने कहा है, लेकिन ऐसे मुनासिब नहीं है, एक घर में यह रात को कैसे अकेली रह सकती है। तब ठेकेदार साहब की बहन बोली कि उसका भी हल है, तुम अपनी बेटी की शादी ठेकेदार साहब से कर दो और ठेकेदार साहब भी तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। पर यह कैसे मुमकिन है? मेरी माँ तो बिल्कुल सोच में पड़ गई। आप हम गरीबों से क्यों मजाक कर रही हो? भला हम गरीबों में ऐसी क्या खूबी है? दौलतमंद आदमी मेरी बेटी से शादी की दिलचस्पी क्यों ले रहा है? उनके तो बीवी बच्चे भी हैं। दरअसल बात यह है कि भाभी शमा को डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी बताई है जो बिल्कुल लाइलाज है। अब बात समझ में आ गई थी। ठेकेदार साहब को अब बच्चों के देखभाल के लिए एक औरत हमेशा चाहिए थी, पर शादी करना तो एक अच्छे घर से भी कर सकते थे क्योंकि वह बहुत अमीर थे। फिर वह मुझ गरीब जैसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते थे? ठेकेदार साहब इतने बूढ़े नहीं थे, कोई अच्छा रिश्ता ना मिलता। मम्मी ने कहा कि शमा एक अच्छी औरत है और उनके हम पर बहुत एहसान है। जब तक वह जिंदा हैं, ठेकेदार साहब को दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी जब तक मैं उनकी पत्नी से पूछ ना लूँ, कोई जवाब नहीं दे सकती। वे अच्छी औरत हैं। 15 दिन बाद वे फिर आई और कहा कि भाभी जान बहुत बीमार हैं और उनके बच्चों की बुरी हालत है, एक बार आकर खुद देख जाएं। उनकी एहसान उतारना चाहती हो तो घर पर उनकी बात पर आकर मम्मी ठेकेदार साहब को देखने गई। वाकई बीमार थे और उनकी बहन अपना घर छोड़कर उनका साथ दे रही थी। मम्मी ने कहा कि आप यहाँ पर तो ही हो ही, मेरी बेटी आपका आकर हाथ बटा जाया करेगी। फिर दूसरे दिन जब मैं उनके घर गई तो ठेकेदार साहब की तबीयत अच्छी थी, मुझे देखा तो खुश हुए और हमारी बहुत इज्जत करते थे। वह बोले, बबीता तुम काम काज करो, एक दिन बाद तो बच्चों को देखने आ जाया करो और बेखौफ होकर आया करो। अगर मैं गलत आदमी होता तो रिश्ते का पैगाम अपनी बहन के हाथ ना भिजवाता, रिश्ता मंजूर ना सही, मेरा उस बुरे वक्त में साथ तो दे सकती हो। मैंने उनकी तकलीफ़ को अपने दिल में दर्द की तरह महसूस किया मगर खामोश रही। ठेकेदार साहब अच्छे इंसान थे, साथ साथ वह एक हैंडसम आदमी भी थे। उनके घर जितना वक्त रहते उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हरकत नहीं की थी। अब हमेशा इज्जत करते थे और हमेशा तमीज़ से पेश आते थे। अब उनकी पत्नी हॉस्पिटल से घर आ गई थी, वह पहले से अच्छी थी। मैं 4 साल उनके घर जाती रही। ठेकेदार साहब ने उनके बाद भी मुझसे शादी के बारे में कोई बात नहीं की। मुझे देखकर एहतराम में कुर्सी या सोफे पर बैठे होते तो उठ खड़े होते, मगर कुछ सालों बाद ठेकेदार साहब की पत्नी फिर से बहुत बीमार हो गई और वह मायके चली गई, तो उनकी बहन और भाभी भी दोबारा रिश्ता लेकर मेरी मम्मी के पास आ गई। शायद ठेकेदार साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार साहब बीमार हैं और बच्चों को बबीता ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। हमारा भी इस गरीबी में कोई मदद करने वाला नहीं था। उनकी पत्नी समाज से मुझे कोई जलन नहीं था, बस ये नसीब की बात थी कि वह शायद बीमार थी।
और उन्होंने खुद ही ठेकेदार साहब को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी थी। समा खुद चाहती थी कि ठेकेदार साहब दूसरी शादी कर लें, उनके बच्चों की परवरिश और देखभाल अच्छे से हो सके, और मैं ठेकेदार साहब के अपने बच्चों के लिए अच्छी लगती थी, जबकि उस दौलतमंद आदमी से हमारी गरीबी दूर हो सकती थी। एक दिन मेरी माँ को किसी ने बताया कि ठेकेदार साहब की पत्नी की उनके मायके में मृत्यु हो गई है और वे लोग सब वहाँ पर गए हैं। हम उनके घर गए, कोठी के में गेट में ताला लगा था। पूरे 15 रोज बाद वे लोग वापस लौटे तो चौकीदार को भेजकर मम्मी को बुलवाया और कहा, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ, अब आप क्या चाहती हैं, मुझे जवाब चाहिए। मम्मी बोली, मैं सोच कर बताऊँगी। मम्मी ने पापा के राजी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। उन्होंने मौसी और मामू को गांव भेजा था कि वह पापा को राज़ी करे। पहले तो वह राज़ी ना हुए, फिर पैसों की लालच में हाँ कर दी। यूँ मेरा शादी ठेकेदार साहब से हो गया। लोगों ने बहुत बातें बनाई कि ठेकेदार साहब की मत मारी गई, इश्क ने इतना अंधा कर दिया, जो एक नौकरानी की बेटी से शादी कर ली। आस पड़ोस के लोगों ने नाराज़गी दिखाई और मिलना जुलना बंद कर दिया। ठेकेदार साहब ने किसी की परवाह नहीं की। वह कहते थे कि गरीब लोग ज़रूर हैं, मगर मेहनत करके रोजी कमा रहे हैं, ये लोग अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। मैंने एक गरीब मगर शरीफ लड़की से शादी की है, तो क्या जुल्म किया है? लड़की बहुत अच्छी है और तमीज़ वाली है और पढ़ी लिखी है, मेरे बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, घर संभालती है और मेरी सेवा करती है, मुझे दिमागी सुकून देती है, और मेरी स्वर्गवासी पत्नी का भी यही ख्वाहिश थी। अब मुझे क्या चाहिए? मैं ठेकेदार साहब के एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत दी और ज़िंदगी का हर सुख दिया। बदले में मैंने उनके बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार दिया। अकलमंद है जानते हैं कि दूसरी औरत अगर सौतेली माँ बनकर आती है तो बच्चों को तकलीफ देगी, और अगर ये सुलझी हुई लड़की है और हमारे घर को अच्छी तरह से जानती है तो ही हमें उसके साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।